बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम अलैकुम। आप देख रहे हैं देसी टीवी यूएसए और मैं हूं रानी अंदलीप। नाज़रीन, आपको बताते चलें कि पाकिस्तान का कोना कोना आर्ट और आर्टिस्ट से भरा पड़ा है। ऐसे ही एक आर्टिस्ट के साथ हम मौजूद हैं जिनका ताल्लुक़ टंडो मोहम्मद ख़ान से है। बाबर अज़ीमी उनका नाम है और बाबर अज़ीमी ने ना सिर्फ पाकिस्तान को अपने मुल्क में बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर भी बहुत ही पहचान दिलवाई है। उनका आर्ट सबसे मुनफरिद है। उनका काम आज हम यहाँ आए हैं उनके स्टूडियो में, देखेंगे कि वो आर्ट जो उनकी पहचान बना एक बोतल के अंदर, उन्होंने कैसे एक आर्ट किया, कैसे उन्होंने वो ड्राइंग की, बग़ैर उस बोतल को तोड़े, बग़ैर उस बोतल के अंदर अपना हाथ डाले, एक ब्रश की मदद से उन्होंने बहुत अहम शख्सियात की जो हैं वो तस्वीर कशी की है उस बोतल के अंदर। इसके अलावा वो और कौन कौन सा आर्ट करते हैं, क्योंकि आर्ट की भी दुनिया बहुत लामहदूद है। आज हम बाबर अज़ीमी से जानेंगे कि उनको ये शौक़ और ये ख्याल कैसे पैदा हुआ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, आप सुनाएं? ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। बाबर, आप ये बताइए कि सबसे पहले तो जो मुझे आपका काम जिसको देख के या जिसको सुन के मैं हैरान हुई कि आप बोतल के अंदर आर्ट करते हैं, बग़ैर उस बोतल को कोई तोड़े, बग़ैर उस बोतल के अंदर हाथ डाले, तो ये मैजिक कैसे आपके पास आया? ये मैजिक कह लें या एक खुदा की देन कह लें, सब मौला के एहसान हैं, क्योंकि ये 97 की बात है जब सुना था मैंने कि बोतल के अंदर आर्ट वर्क हो सकता है। तो उस पर मुझे खुद ये तजस्सुस हुआ कि मैं जो है एक बोतल में अंदर बनाने की करूं, और ट्राई की मौला का नाम लेके, तो मौला ने फिर वो उसमें आसानी कर दी मुझे। तो मुसलसल में कई महीनों तक पहले तो सोचता रहा कि इसमें किस तरह हो सकता है, फिर आखिरकार उसमें अल्लाह ने कामयाबी दी और बना ले मैंने। और ये अभी का काम नहीं है मेरा, ये आज से 23 साल पहले का है। 97 में किया था ये काम मैंने बोतल के अंदर बनाने का। तो वो बोतल्स जो हम वैसे कांच की घर में इस्तेमाल करके उनको फेंक देते हैं, हमें ख्याल नहीं आता, तो एक आपको ये ख्याल और ये जहन में कैसे आया कि मैं एक बोतल के अंदर आर्ट से स्टार्ट करता हूँ? वैसे मोस्टली ड्राइंग जो की जाती है हम कैनवस पे करते हैं या पेपर पेन लेके स्टार्टअप करते हैं, तो आपने एक बहुत ही मुश्किल काम से इसका आगाज़ किया। हाँ, आर्टिस्ट की फितरत में होता है कि चैलेंज को कबूल करना, क्योंकि स्टार्ट में तो ये होता है कि बंदा बचपन में कार्टून बना लिया, कोई सीनरी बना ली, कोई स्टिल लाइफ बना ली, तो ड्राइंग करते करते उसको एक प्रैक्टिस भी हो जाती है, फिर वो चाहता है कि मैं कुछ यूनिक करूं। और असल में वो अपने काम की तरफ, अपनी लाइन की तरफ दूसरों को मुतवज्जा करना चाहता है। तो एक स्टूडेंट लाइफ में एक जज्बा होता है कि मैं कुछ ऐसा पेश करूं कि जिसमें सारे मेरे आर्ट की तरफ मुतवज्जा हों। तो ये भी आप समझे कि अल्लाह ताला ने ये एक ज़रिया दिया कि मेरे आर्ट की तरफ और ड्राइंग की तरफ सब एक चौंक भी जाएं और मुतवज्जा हों कि भाई बोतल में अंदर भी हो सकता है। तो आप मुझे ये बताएं कि सबसे पहले अभी हमारे पीछे हमारे कैमरामैन भी दिखा सकते हैं, जो तो ड्राइंग्स हैं ला तादाद मौजूद हैं, तो वो बोतल जो सबसे पहले आपने आर्ट किया था वो कौन सी है, वो अगर आप हमें इनमें से दिखाएं कि सबसे पहले आपने जिसमें आर्ट किया था। सबसे पहले ये अल्लामा इकबाल की है, और उसके बाद फिर मैंने ला तादाद जो शख्सियात हैं नेशनल इंटरनेशनल उनकी मैंने बनाई, और काफ़ी सारी अपनी कलेक्शन में थोड़ी बहुत हैं, बाकी तो मैं काफ़ी जो है एग्जीबिशन के लिए वो दे चुका था अभी तक। ठीक होगा।
तो नाज़रीन आप ये मेरे हाथ में अभी मौजूद है बाबर अज़ीमी के हाथ का एक खूबसूरत शाहकार। आप देख सकते हैं कि ये बोतल मैंने अपने हाथ में बाकायदा तौर पर उठा के देखी है, ना ही इस बोतल में कोई लाइन है, ना ही इस बोतल को कहीं से क्रैक किया गया है। और शायर मशरक इलामा मोहम्मद इकबाल की बहुत ही खूबसूरत सी अंदर इसमें ड्राइंग की गई है और अल्लाह ने आपको बहुत आर्ट से नवाजा है। तो बाबर आप ज़रा हमें अपने बाकी जो आप करते हैं आर्ट, इसके अलावा आर्ट की बड़ी इकसाम होती हैं, आपका किस किस्म का आर्ट रह चुका है, आपने कैसे जो है अपने काम का आगाज़ किया, क्योंकि टंडो मोहम्मद खान एक ऐसा एरिया है जहाँ पे थोड़ा मुझे विज़िट करते हुए ये भी आइडिया हुआ है कि इतना एजुकेशन को उस दौर में वैल्यू नहीं थी, इतने लोग पढ़ते नहीं थे, तो आपको किस किस्म के चैलेंजेस का सामना करना पड़ा, आप किस किस्म के आपको मुश्किलात का सामना करना पड़ा अपने इस काम को आगे लेके आने में, आप ज़रा हमें ये बताइए। हाँ, बड़ा अच्छा सवाल है आपका। उसमें मुझे मुनीर साहब का एक शेर याद आता है, एक और दरिया का सामना है मुनीर मुझको, मैं एक दरिया के पार उतरा तो मैंने देखा। तो आर्ट में भी इसी तरह ही होता है, बचकाना उम्र में जब कार्टून बना लिए, फल परिंदे, और शौक होता है कि सब घर पे भी सराहें काम को, और स्कूल में जो फ्रेंड्स हैं, टीचर हैं, वो कहें कि भाई आपने तो जो सेब बनाया है या जो बर्ड्स बनाया है बहुत अच्छा बनाया है। उसके बाद पता नहीं अभी कुछ मुझे कुछ और करना है। तो इस तरह ये एक सुराबी जिसको हम कह लें, एक तय होता है इसमें, तो दूसरे की स्टार्ट हो जाती है इसमें, सफ़र दर सफ़र। ये ज़िंदगी ऐसी है आर्ट की। तो शुरू में मुझे ये था कि भाई मैं ऐसा बनाऊँ कि पोर्ट्रेट बनाऊँ। हमारे ज़माने में यहाँ के मशहूर जो पोर्ट्रेट आर्टिस्ट थे, मरहूम गंगाराम साहब, वो तलहार के थे, चारकोल के उनके बड़े प्यारे पोर्ट्रेट बने होते थे। यहाँ पे अमूमन ये होता था कि घर जो उस टाइम में डिजिटल दौर तो था ही नहीं, तो लोग क्या करते थे, जो पोर्ट्रेट बनवा के अपने घर पे लगा लेते थे। और उसी ज़माने में गंगाराम का बड़ा नाम था, तो मुझे पता चलता था कि गंगाराम साहब की जहाँ पे भी घर में, जिस घर में पोर्ट्रेट लगा हुआ है, मैं जाके देखता था किस तरह बनाया, उन्हें तजस्सुस था। उसके बाद अबू ने मुझे यहाँ टंडो मोहम्मद खान में, क्योंकि आर्ट का कोई इंस्टीट्यूट तो था ही नहीं, तो यहाँ पे बड़े मशहूर साइन बोर्ड पेंटर थे हमारे मोहतरम उस्ताद आशिक अली, तो उनके पास सीखने के लिए बिठाया, तो वहाँ पे साइन बोर्ड वगैरह का काम करता था। तो वहीं पे मेरी मुलाकात हुई हमारे मोहतरम उस्ताद उस्मान अली खासकेली से, तो वो भी बड़ा ज़बरदस्त, गंगाराम के बाद मुझे तो उनका ही काम नज़र आया, और क्योंकि मेरे तो घर पे भी उनके बने हुए पोर्ट्रेट में बचपन से देखता आ रहा था, तो मेरी खुद भी उस टाइम पे उम्र बहुत छोटी थी, तीसरी जमात में था मैं, तो वहाँ पे उनके पास मैंने बाकायदगी से पोर्ट्रेट की जो तालीम होती है वो हासिल की, और उस्ताद ने माशाल्लाह अच्छे तरीके से, क्योंकि उस्ताद का एक मशहूर डायलॉग था कि रंग लाती है ना पत्थर के पिस जाने के बाद, उसमें ज़्यादातर क्योंकि वहाँ पे कमर्शियल जो कमीशन वर्क ज़्यादा मिलता था, एक दिन में 10-10 पोर्ट्रेट की ड्राइंग करना मुसलसल, फिर बड़े बड़े मेरियल जो है सिनेमा लाइन का भी काम करना, साइन बोर्डों में बड़े बड़े पोर्ट्रेट बनाना, तो उस तरह से ये सिलसिला जो है करते करते उस्ताद के साथ काम करते अच्छी खासी मुझे जो है उसमें महारत हासिल हो गई। फिर वहाँ पे मेरी मुलाकात हुई सर इकबाल अहमद फारूकी से, वो मेरे बहुत शफीक उस्ताद हैं। अच्छा, इत्तेफाकी बात के सर इकबाल अहमद फारूकी ने आज तक खुद कभी ड्राइंग नहीं की, मगर अल्लाह ताला ने इल्म व फन से उनको इतना नवाजा हुआ था कि मेरी तराश खराश की उन्होंने, तो उन्होंने कहा कि बेटा आप सिर्फ पोर्ट्रेट बनाने के आर्टिस्ट नहीं हो, आप में रब पाक ने तख्लीकी सलाहियतें दी हुई उनको जो है आप आगे लाए। फिर वहाँ से मेरा जो है फाइन आर्ट की तरफ जो है वो हुआ, टर्न हुआ। तो एजुकेशन में शुरू से ही मैं वीक था, तो
एजुकेशन का नहीं था कि मैं कहीं किसी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करूं। मैंने अप्लाई भी किया था सिंध यूनिवर्सिटी में, मेरी सिलेक्शन नहीं हुई थी। तो मुझे बस जुनून था, मैं सारा दिन सारी रात ड्राइंग ही करता रहूं, आर्ट वर्क ही करता रहूं। तो अपने उस पर मैं बस, कोई सरोकार नहीं था कि मुझे डिग्री मिले, मुझे कोई आर्टिस्ट माने। मैं बस करता, बस मेरी तशनगी होती थी। कई दिनों ये भी होता था, घर में रूम में सब सोए हुए हैं तो मैं रात को किचन फारिग होता था तो किचन में लाइट जला के वहाँ पे भी ड्राइंग करता था। बचकाना उम्र में बड़ा प्यारा दौर था, वो भी दौर था। तो उस जमाने में, उसके बाद जो है वहाँ पे मेरी मुलाकात सर नूर अहमद समो से हुई। उन्होंने मुझसे एक एग्जीबिशन, मेरी जो पहली एग्जीबिशन है सॉल्ट लाइब्रेरी की तरफ से हुई थी, शाह अब्दुल लतीफ भिटाई की वाई पे मेरी अच्छी रहनमाई की। अच्छा, वहाँ पे एग्जीबिट बोतल का काम मैंने पहली दफ़ा किया था, और उसमें भी सिंध के अच्छे अच्छे आर्टिस्ट आए थे। आफ्ताब जफर साहब भी आए थे और काजी खिजर हया साहब और भी काफ़ी अच्छे। टंडो में एक उन्होंने एक आर्ट का माहौल बन गया एक सिलसिला इन 10 साल के बाद। और उसके बाद जो है शाह अब्दुल लतीफ भिटाई की वाई पे सारा काम इमेजिनेशन पे किया। उसके बाद थर पे जो है मूड हुआ कि मैं थर पे काम करूं, और फिर थर के मैंने लाइव स्केच बनाए, काफ़ी टाइम बनाए मैंने, और उनको भी मैंने एग्जीबिट किया, अच्छा रिस्पांस मिला मुझे इस पर। उसके बाद मैंने सुपर रियलिस्टिक में काम किया था। सुपर रियलिस्टिक में तो इतने हद तक करने का था मेरा, उस ज़माने में नाम था बड़ा शकील सिद्दीकी साहब का जी जी। तो उनका नाम इतना था कि उनकी स्टिल लाइफ ऐसी बनी होती थी कि कोई भी धोखा खा जाए कि ये रियल चीज़ें रखी हुई हैं या पेंटिंग बनी हुई है। तो मेरा भी वही था कि उनको एक आइडियल बना के मैंने भी रियलिस्टिक सत तक काम करने की। उसके बाद थोड़ा रुझान चेंज हुआ, मैंने इम्प्रेशनिज्म में काम किया। इम्प्रेशनिज्म के बाद फिर थोड़ा वो जिस तरह रोमांटिकिज्म होता है, जितने ओल्ड मास्टर्स हैं उनके बुक्स देखे, उनको स्टडी किया काम को। फिर मैंने अपने, आप मेरी पेंटिंगों में देख सकते हैं, सूफीज़म की कुछ ऐसी पेंटिंग है जिसमें जितने भी हिस्ट्री के ओल्ड मास्टर उनका टच आता है। फिर आगे चल के मेरा अभी ये हुआ कि मैं कुछ और लेके आऊँ जो अपने मशरक़ की पहचान हो उसमें, जिसमें इमेज भी मेरा अपना हो और टेक्निक भी मेरी अपनी हो। फिर क्योंकि जाहिर सी बात है दिन रात काम करना प्रैक्टिस तो थी, फिर मेरा रुझान जो है मशरक़ी आर्ट की तरफ से हुआ। मैंने काफ़ी जो है ऑब्जर्व किया चुगताई साहब के काम को, और टेक्निक में मैंने, मेरी आइडियल आर्टिस्ट है पाकिस्तान का बड़ा नाम है नजमी सूरा जी जी। और उन्होंने हाजरा मंसूर, तो ऐसे अच्छे अच्छे आर्टिस्ट काफ़ी सारे, और काफ़ी ईरान के आर्टिस्ट, उनके काम को भी मैंने स्टडी किया। तो उसके बाद फिर मेरा रुझान बना, मेरी एक सिग्नेचर वर्क बन गया एक। तो अभी जो मेरा काम है वो मेरी अपनी एक पहचान है। तो मेरा उस हमेशा यही कोशिश होती है कि मैं नए से नया करूं। हर एग्जीबिशन में आप देखेंगे पहले से मेरे काम में तो चेंजिंग हो रही है। आपकी मैं सीरीज देख रही थी जिसमें डिफरेंट थी, आपकी जैसे चौखट के नाम से एक है वो भी काफ़ी डिफरेंट है, और बाकी जो सीरीज हैं आपकी वो भी काफ़ी डिफरेंट है। तो अभी मुझे बताएं कि आप को सबसे ज़्यादा अपनी कौन सी सीरीज, एक होती है एक आर्टिस्ट को के अपने काम में या अपनी एक सीरीज में एक उससे लगाव ज़्यादा होता है, अभी तक आपको अपनी कौन सी सीरीज से ज़्यादा लगाव सबसे ज़्यादा? ये एक अजीब सी बात है कि काम करते वक्त आर्टिस्ट को लगता है कि जिस तरह बच्चे को, यानी माँ को अपने बच्चे से एक लगाव होता है, तो एक फनपारा भी आर्टिस्ट का एक बच्चा ही होता है। जब तक वो मेकिंग में होता है, प्रोसेस में उसका काम, उससे उतना प्यार करता है वो, उसको बनाता है, बिगाड़ के बनाता है, एक उनसे सी हो जाती है उसके साथ। मगर यहाँ पे एक ही फर्क आता है कि आर्टिस्ट की लाइफ है एक सुराबी। जब देखता है कि हाँ यार मैंने ये जो पेंटिंग बनाई है ये दंकी है, शायद इसके बाद मैं इस तरह की नहीं बना पाऊंगा, कुछ ही पलों के बाद उसकी हजारें कमियां नजर आती हैं। उस सोचता है कि अभी नहीं, यहाँ पे तो ये कमी रह गई, ये मैंने की नहीं, चलो इसको रहने दो, अगली में करूँगा। फिर वो कमी उसमें दूर करता है तो फिर दूसरी कमी आ जाती है। अच्छा, ये तसलसल जो है ये एक नशा सा है, और आर्टिस्ट को आगे यही बढ़ाता है।
और मेरे ख्याल से जब हम अपनी एक एक फ़नी दुनिया के अंदर अपने काम के, जैसे अब हर काम की एक अलग अलग स्टेजेस होती हैं जिसमें कह देते हैं कि बस ये परफेक्ट हो गया, बीइंग अ आर्टिस्ट मेरे ख्याल से आपकी सलाहियतें वहाँ पे थोड़ी सी डाउन हो जाती हैं, जब आप अपने ही उस लेवल पे जाके कहें कि बस ये मेरा आखिरी है, इसके आगे मैं कुछ अच्छा नहीं बना सकूँगा या कुछ ऐसा। तो वैसे आप मुझे बताएं बाबर अजीमी कि अभी तक जितनी आपने पेंटिंग बनाई है, थोड़ा सा कोई इमोशनली अटैचमेंट भी होती है बंदे की किसी पेंटिंग के साथ, तो आप कि किसी ऐसी के साथ रही हो जो कोई अभी तक आपकी उसको आप परफेक्शन लेवल पे नहीं लेकिन टली आप उसको अपने साथ फील करते हो? नहीं, मैं तो इस तरह अगर फीलिंग की बात आप कह रहे हैं तो मैं अपनी हर पेंटिंग को अपने साथ फील करता हूँ। जहाँ तक सर्टिफाइड की बात है तो मैं किसी पेंटिंग को भी फील नहीं करता हूँ, जब फाइनल करता हूँ तो सामने ये जो है अभी है, हाँ काम है अभी, उससे मजीद करना इसमें तो वो चीज़ रह गई जो मुझे दिखानी थी, ठीक हो गया। और फिर जब दूसरी पेंटिंग होती है, हाँ इसमें मैं लेके आ रहा हूँ, मैं उस जो है काम को मैं उस कमांड तक पहुँच रहा हूँ, जब वो फाइनल होती है तो पता चलता है नहीं यहाँ से तो और शुरुआत अभी हुई है। यानी मेरे साथ एक खास ये है कि मेरी हर पेंटिंग में, हर काम में ये होता है, हर सीरीज में, कि वो वहाँ से मेरी शुरुआत होती है। ठीक हो गया, दैट्स इट। तो बाबर आप मुझे ये बताइए कि आपका ताल्लुक जैसे सुबह सिंध से, और सिंध को तो वैसे ही बाबुल इस्लाम और औलिया की सरजमीन, और सिंध के अंदर तो बहुत बड़ी स्टोरी, अगर इसको हम बैठ के डिस्कस करें तो वो तो ख़त्म ही नहीं होगी। तो आपका ताल्लुक सिंध के खूबसूरत से शहर टंडो मोहम्मद खान से है, जहाँ आज भी इतनी सहूलतें नहीं हैं, जहाँ आज भी इतनी एजुकेशन को प्रमोट नहीं किया जाता, तो आप बीइंग अ आर्टिस्ट यहाँ के जितनी लोग हैं या आपको जितने देख रहे हैं उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे कि आपके बच्चे बगैर पढ़े लिखे, बगैर ज़्यादा आगे जाए, अपने लिए कुछ कर सकें, जो आर्ट के फील्ड में आना चाहते हैं? क्योंकि हमारे पेरेंट्स मोस्टली ये सोचते हैं कि अगर हम जॉब हमारा बच्चा करेगा तो वो सही होगी, आर्ट को वो जॉब बिल्कुल भी नहीं समझते। इस हवाले से आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? मेरा ये पैगाम है कि बच्चे को बिल्कुल आज़ाद छोड़ा जाए कि एजुकेशन अपने टाइम पे करें, बाकी चीज़ें जो हैं अखलाकी हवाले से वो तो तरबियत देनी है उनको, बाकी कोई चीज़ पे थोपनी नहीं है। अब जिस तरह मैं सोच लूँ कि मैं आर्टिस्ट हूँ तो मेरा बच्चा भी जो आर्टिस्ट बने, ना, हर किसी की गॉड गिफ्ट है, अल्लाह ताला ने बहुत सी सलाहियतों से नवाजा हुआ है इंसान को, कुछ पता नहीं होता है कि आगे चल के अच्छा मुसव्वर है या अच्छा सिंगर है, अच्छा शायर है। तो जो है ना, हमें अपनी, वो बोलते हैं कि जिस तरह मुगलों में होता था कि ये इसको देनी है हुकूमत या वो नस्ल दर नस्ल, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, रवायत नहीं होनी चाहिए, उसको हम ऑब्जर्व करें कि आगे इसमें सलाहियतें क्या रब्बात ने दी हुई है। तो अभी बाबर से हमने ये जाना कि ये कैसे इन्होंने आगाज़ किया अपने काम का, किन किन सीरीज़ के ऊपर ये काम कर चुके हैं, क्या क्या आर्ट की दुनिया में नया आर्ट इन्होंने मुतारिफ़ करवाया। तो हम ऐसे कैसे हो सकता है कि बाबर अजीमी के पास आए, इतने बड़े आर्टिस्ट जो लोगों की बनाते हैं स्केच और अपनी एक्सप्रेशन करते हैं, आज हम इनसे ज़रा लाइव स्केचिंग भी देखेंगे कि ये लाइव स्केचिंग हमारे सामने कैसे करेंगे। और शायरी का आपने ज़िक्र किया तो ऑफ कैमरा मैंने सुना आपसे जब डिस्कशन हो रही थी कि आप शायर भी रह चुके हैं किसी दौर में, और सिंध से आपका ताल्लुक है, तो अपनी अगर कोई आप शायरी अगर की हो, आपने अगर याद हो अभी, तो सिंधी जुबान में ही आप अपने एक दो मिसरे हमें सुना दें हमारे नाज़रीन के लिए। बहुत पुरानी बात है, शौक था, क्योंकि असल में मुज़हबरी और शायरी इजहार बयाँ हैं, तो मुझे शौक़ था, थोड़ा बहुत नावल भी लिखा था मैंने, फिर मैंने आधे में छोड़ दिया, वो थोड़ी शायरी भी की थी जी। तो अभी कुछ मजीद, तो क्योंकि पुरानी बात है, बहुत ही काफ़ी एक कैफियत थी, तो मुझे अपनी एक नज़म याद आती है, सिंधी में ही है वो जी। अनपूरा ऐं रोलाक सपना असांजा, अनपूरा ऐं रोलाक सपना असांजा, अखिन में असांजे ही रुलंदा वतन पिया, अनपूरा ऐं रोलाक सपना असांजा, अखिन में असांजे ही रुलंदा वतन पिया, नकी हकीकतन जो इन्हनि कोई रंग पातो, न ही पूरो थियण जो को ढंग सुञातो, सपना ही रहिया सपना असांजा, अनपूरा ऐं रोलाक सपना असांजा।
बहुत शुक्रिया बाबर, आपने हमें टाइम दिया और इतनी अच्छी बात हमारे साथ शेयर की। और जो नज़म बाबर ने बताई है उसका थोड़ा सा मैं आपको बताती चलूँ कि कह रहे हैं बाबर के कुछ सपने होते हैं जो सपने ही रहते हैं, हमारे ख्यालों में ही रहते हैं, लेकिन बाबर का ये जो सपना है आर्ट की दुनिया में अपना एक नाम बनाना, अपनी एक पहचान बनाना, और ना सिर्फ अपना नाम और अपनी पहचान बनाना बल्कि पाकिस्तान को भी इंटरनेशनल लेवल पर प्रेजेंट करना, उनका ये सपना एक दिन ज़रूर पूरा होगा और ज़रूर वो पूरी दुनिया में एक नाम कमाएँगे। इसी के साथ ही रानी अंदीप को दीजिए इजाज़त कैमरामैन आसिफ खान के साथ, और देखते रहिए देसी टीवी यूएसए और विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट desitvusa.com।